झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव एवं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा जन सहायता शिविर लगाया गया। इसमें जन समस्याओं को लेकर वो चाहे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, म्यूटेशन, जाति आवासीय प्रमाण पत्र आदि को लेकर लोगों से आवेदन लिया गया एवं इस आवेदन को एक कॉपी अंचल कार्यालय, दूसरा जिला अध्यक्षता को तथा तीसरा प्रदेश को कॉपी भेजा जाएगा। सफल रहेगा। हर कार्यालय में अंचल कार्यालय माने वाला हर लोग परेशान है अधिकारी लोग से। इसलिए ही जो मतलब कि रघुवर दास की सरकार थी वही सिस्टम पे भी चल रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग के प्रदेश रामेश्वर राव जी, विधायक खान जी, मंत्री बन्ना गुप्ता जी, सब मिलकर चाह रहे हैं कि आम आदमी का जितना ज्यादा ज्यादा लाभ पहुँचाया जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे झारखंड में हर प्रखंड में इस तरह का कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं के साथ हम लोग सीधी तौर पर जुड़े। जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो जनता की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, समय पर नहीं आते हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं सिस्टम में। उस त्रुटि को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सीधे जनता के द्वार पहुंच गई है। जिला अध्यक्ष हम लोग खुद जा रहे हैं, अपने प्रखंड अध्यक्ष को बोल देते शिविर लगा है और इनको दिशा निर्देश है कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन बैठ करके टाइमिंग फिक्स कर दे ताकि आदमी आकर के समस्याओं को सुन ले। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2021 में अंत तक जो समस्याएं समाधान हो जाएगी। जो अधिकारी हमारे प्रखंड अध्यक्ष का, हमारे कार्यकर्ताओं के बातों को नहीं सुनेगा वो झारखंड में रहने के काबिल नहीं है, उसको नहीं रहने देंगे।